अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हुमैद अब्दुल्ला है। आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं ऑटो फोमिंग सोप डिस्पेंसर की। इसको खोलने के बाद ये सबसे पहले इसकी निकलती है बुकलेट, जिसके अंदर इसको यूज़ करने की तरीका बताया है। और ये है सोप, और इसके बाद ये निकलता है इसका कंटेनर, और ये है ऑटो फोमिंग मशीन। इसके बाद ये है इसका नोज़ल, और ये है चार्जर, और इसके बाद ये है जो कंटेनर है इसके अंदर हम इस ये सोप है इसको डालेंगे, तो फिर इसके बाद ये लिक्विड बन जाएगा। और इसके अंदर हम कोई भी ब्रांडेड या ब्रांडेड हो नहीं हो, हम उसके अंदर वो लिक्विड डाल देंगे। और इसके बाद ये जो इसकी नोज़ल है हम इसको यहाँ पर इस तरीके से लगा देंगे, और इसके पीछे जो ये जगह है सेल की, तो यहाँ पर सेल नहीं लगते, यहाँ पर इसका जो ये इस चार्जर से चार्ज होता है। दो आते हैं, एक होता है सेल वाला और एक होता है रिचार्जेबल। ये वाला रिचार्जेबल है, और इसके अंदर चलिए हम सोप डालते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। हमने इसको चार्ज कर दिया है, और अगर हम इसको यहाँ से ऑन ऑफ होता है, अगर हम इसको थोड़ी देर तक प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ ब्लू लाइट जलेगी तो ये कम सोप डिस्पेंस करेगा, और अगर एक और बार इसको प्रेस करेंगे तो ग्रीन लाइट जलेगी, और ग्रीन लाइट के अंदर ये ज़्यादा सोप डिस्पेंस करता है। और फिर अगर इसको वापस प्रेस करके रखेंगे थोड़ी देर तक तो ये ऑफ हो जाता है। हम इसके अंदर नॉब लगा रहे हैं, और इसके बाद इस सोप इस कंटेनर के अंदर लिक्विड डाल देते हैं। इस कंटेनर के अंदर लिक्विड डाल दिया है, और ये बात याद रखनी है कि लिक्विड गाढ़ा नहीं होना चाहिए। अभी हम इसको इसके साथ अटैच कर देते हैं, इसको जो स्ट्रॉ थी उसके साथ इसको हमने लगाया, और फिर इसको सिंपली प्रेस कर दिया। अब फिर हम इसको अगर दबा के रखेंगे तो देखें ब्लू बत्ती जल गई। अब देखें ये वो फोम कर रहा है, और अब फिर अगर इसके बाद हम इसको थोड़ी और देर क्लिक करेंगे तो ग्रीन बत्ती जल गई। ये देखें पाकिस्तान सेल की जाती है, और ना सेलर का नंबर दिया जाता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब, और इस वीडियो को लाइक और आगे शेयर करिए। अस्सलाम वालेकुम।